अगर मेरा समर्थन नहीं हो तो आपको एक बात कैसे रहना पड़ेगा कि हमारी पार्टी जिला विकास पार्टी, जिस दिन आप चुनाव वाले कहना शुरू कर देंगे कि हमारी पार्टी जिला विकास पार्टी, हमारा नेता बाबू सिंह कुशवाहा, तो मजदूरी नगर में हमारा वोट लेना है, तो हमसे वो समझौता जरूर करें। और अगर हमसे नहीं करेंगे तो हम अपने जीत से भर के आए, हमारे पास लोधी भी है, प्रजापति भी है, पाल भी है, मुसलमान भी है, कुशवाहा भी है, पूर्वी भी है, सारे लोग मिलकर हमारा प्रत्याशी नहीं चलाने द्वारा नहीं चलाए। मैं ये दावे लगाना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो धर्म धरती है जिसमें बहुत मजबूत है, इटावा, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैं तीन चार सीटों को नहीं कह सकता हूँ जहाँ बहुत आबादी है एक जाति की, वो जीत जाए अलग है, बाकी कोई ऐसी सीट नहीं है कि जो जन अधिकार पार्टी से बाहर चली जाएगी। और मैंने आप तक नहीं कहा, मैं आज कहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी के बिना किसी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो सरकार बननी है उसे जन अधिकार पार्टी के पास आना चाहिए। मैं बहुत लोगों और भी एक बात कहता हूँ कि देखो भाई, तुम तो चार बार सत्ता में रहे हो, कुछ लोग दो दो तीन तीन बार सत्ता में रहे हैं, हम तो इंतजार कर लेंगे, हम तो पैदल में पांच साल और इंतजार कर लेंगे, तो अपने बारे में सोचो, सही कहूँ की जरूरत नहीं, हम तो सत्ता में रहेंगे, हम तो पैदल ही हैं कि हो सत्ता में, बहुत लोगों को जल्दी है कि जल्दी सत्ता में आ जाए, अभी तो नहीं है कि है, बहुत लोग सोचते हैं भाई डिप्टी सीएम तो है, मंत्री तो है, एक बेटी शुरू कर की बेटी के साथ रेज हुआ, जला के जला दिया रात को, अभी चार महीना पहले एक विश्वास के बाद की बेटी के साथ भाजपा में रेज हुआ और मार के नहर में फेंक दिया रोजगार की बेटी, कानपुर में 18 साल की बेटी कुशवाहा समाज को रेज किया और आज जीवन की छोटी से फेंक दिया, सीतापुर में बौद्ध समाज की दो बेटी, एक बेटी जिंदा बच गई और एक 9 साल की बेटी कोई नहीं सुरक्षित रहा, रेत की और मार के फूट की, फतेहपुर में बौद्ध समाज की दो बेटियों, एक महीने के अंतर में रेत किया और मार के फूट की, मुकदमा भी नहीं निकल गया, सही